दोस्तों एनिमे में मॉन्स्टर ज्यादा करके विलन ही होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स इन एनिमे के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों कई सारे एनिमे सीरीज में हमें मॉन्स्टर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर में से कुछ मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं तो कुछ मॉन्स्टर्स विलन टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे सीरीज में आप ये भी देखे होंगे कि मॉन्स्टर्स किस तरीके से ह्यूमंस को परेशान करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी मॉन्स्टर्स अच्छाई की तरफ ही होते हैं। मॉन्स्टर्स ज्यादा करके पावरफुल ही होते हैं और यही मॉन्स्टर की वजह से हमें एनिमे में एक अच्छा फाइट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एनिमे के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 यूमी, यू यू हाकुसो। दोस्तों यूमी यू यू हाकुसो सीरीज का फाइनल एंटीगोनिस्ट यानी विलन है। यूमी डेविल रियासत का 3 किंग में से एक किंग है और यूमी को यू यू हाकुसो सीरीज का सबसे पावरफुल राक्षस माना जाता है। यूमी का खुद का बहुत ही अच्छा एबिलिटी है, जैसे कि दोस्तों पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट और इसके पास सुपीरियर एस का एनर्जी भी होता है। वैसे भी ये सीरीज में राक्षस अपने आप में ही पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लास्टली यूमी का खुद का पावर ही उसको थोड़ा अलग बनाता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है डीमंस फेरी टेल से। दोस्तों फेरी टेल्स के राक्षस पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, लेकिन अगर हम फेरी टेल्स के सीरीज में देखें तो यही सबसे ज्यादा ताकतवर वाले मैजिक यूजर्स माने जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा पसंदीदा कैरेक्टर नार्सो भी एक राक्षस कैटेगरी का ही है। यहाँ दोस्तों राक्षस पर्सन टू पर्सन अलग होने का मतलब ये है कि इनका एफरेंस और एबिलिटी थोड़ा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में इनका एक अलग जाति होता है, इसीलिए ये थोड़ा अलग भी हो सकते हैं। इनका सबसे अच्छा एबिलिटी ये होता है कि ये अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म यानी चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है सेल ड्रैगन बॉल से। दोस्तों सेल एक ऐसा विलन है जिसको हम ड्रैगन बॉल सीरीज का एक असली मॉन्स्टर कह सकते हैं। सेल को लैब में क्रिएट किया गया था और इसमें यूनिवर्स के सभी बेस्ट फाइटर का डीएनए भी इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ से देखा जाए तो सेल एक कैरेक्टर और मॉन्स्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसी की वजह से हमें सीरीज में मोस्ट पावरफुल फाइटिंग बैटल भी देखने को मिल गया था। ओवरऑल दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। अब इस नंबर 7 पे आता है भर्सो लोट्रे ब्लीच से। दोस्तों ब्लीच के सीरीज में इचिगो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो होता है। ये सीरीज में इचिगो बहुत सारे होलो मॉन्स्टर का सामना करते रहता है। यहाँ पर भर्सो लोट्रे मॉन्स्टर अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल होते हैं। यहाँ पर दोस्तों होलो एक प्रजाति होता है जो कि ह्यूमन के आत्मा से जन्मे हैं। जितने भी होलो मॉन्स्टर हैं उनमें से भर्सो लोट्रे सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी दोस्तों ये टॉप में आते हैं। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है घोस टोक्यो घोस से। दोस्तों घोस को हमारे वर्ल्ड में और उनके खुद के वर्ल्ड में यानी दोनों ही वर्ल्ड में मॉन्स्टर माना जाता है। घोस सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन के फूड को नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके लिए ह्यूमंस का फूड बकवास और बेकार है। वैसे भी फिजिकली देखे तो वो ह्यूमन के फूड को खा नहीं सकते हैं। घोस मेनली सर्वाइव करने के लिए दूसरों को खाते हैं। इन सभी के पास बहुत ही अच्छा पावर होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, रीजनरेशन यानी रिकवर होना, और इनके पास बहुत ही अच्छा सेंस होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना को ढूंढ पाते हैं। अभी इसमें 5 पे आता है होर्मुनकुलस फुल मेटल एल्केमिस्ट से। दोस्तों होर्मुनकुली आर्टिफैक्ट ह्यूमन होते हैं जो कि एल्केमी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और फिजिकली देखा जाए तो होर्मुनकुलस ह्यूमन के मुकाबले हर चीज में बेटर होते हैं। ये सभी का बॉडी फास्टर स्ट्रॉन्गर और ह्यूमन बॉडी के मुकाबले ज्यादा लचीलापन होता है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनके ऊपर कोई भी बीमारी और पॉइजन का असर नहीं करता है, यहाँ तक कि ये अपने इंजुरीज को खुद ही हील कर सकते हैं। लास्टली यह खास बात यह है कि इनके बॉडी में कोई भी आत्मा नहीं होता है। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है टाइटंस अटैक ऑन टाइटन से। दोस्तों जितना हम पावरफुल टाइटन्स को समझते हैं
टाइटंस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सीरीज के सीन में हमें बहुत ही बड़े बड़े टाइटंस देखने को मिल जाते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। सभी टाइटंस का अपना स्पेशल एबिलिटी होता है और हो सकता है कि सभी टाइटंस का पावर अलग अलग हो, जैसे कि वो आर्मर टाइटन है या तो कॉलोसल टाइटन है। अगर सीरीज में देखा जाए तो इन मॉन्स्टर से ह्यूमन बहुत ही डरते हैं और साथ में ये मॉन्स्टर की वजह से सिविलाइजेशन में पूरा चेंज देखने को मिला था। लास्टली इन मॉन्स्टर को नंबर 4 पे रखने के लिए इस टाइप का चेंजेस काफी है। अभी उसमें 3 पे आता है द गॉड हैंड बिसर्क से। दोस्तों गॉड हैंड राक्षस का एक ग्रुप होता है जिनके पास इविल वाला बहुत ही आइडियाज होते हैं। इस ग्रुप में एक भयानक चीज ये लगता है कि इसमें जितने भी राक्षस होते हैं पहले सब कभी ना कभी एक ह्यूमन हुआ करते थे। अगर गौर से हम इस एनिमी को देखें तो ये उनकी प्रजाति में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इन सभी को सिर्फ राक्षस नहीं बोल सकते बल्कि इन्हें हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी कह सकते हैं। लास्टली इन सभी मेंबर्स के बीच में थोड़ा एबिलिटी का फर्क हमें देखने को मिल जाता है। अभी उसमें 2 पे आता है बनी ब्लड सी सीरीज से। दोस्तों ये ऐसे मॉन्स्टर हैं जिनको टॉर्चर करना, डिस्ट्रॉय करना और ह्यूमन को कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये सभी मॉन्स्टर ब्लड सी सीरीज के एंटीगोनिस्ट हैं और ओल्ड वन जैसे मेन विलन के एक हिस्से हैं। अगर हम ब्लड सी सीरीज का देखें तो मेन प्रोटैगनिस्ट साया के लिए बनी से सामना करना बहुत ही मुश्किल साबित हो गया था। बनिस अपने अंगों को भी चेंज कर सकते हैं और ये बदलते हुए अंगों को बनिस सभी हेल्पलेस सिटीजन को मारने के लिए यूज करते हैं। लास्टली बनिस को एल्डर ब्रेन यानी ओल्ड वन के हिस्से के रूप से माना जाता है। फाइनली दोस्तों भी नंबर 1 पे आता है सिनिकामिस डेट नोट से। दोस्तों ज्यादा करके फैंस को डेथ नोट पसंद है क्योंकि ये क्लासिक एनिमी है। अगर सिनिगामिस एक बार अपने फुल पावर में आ गए तो वो सब पर राज करने का साहस रखते हैं। इनके पास इतना पावर होता है कि ये किसी का नाम जान के या तो किसी का नाम लिख के उसको खत्म कर सकते हैं। इनको हम एक्स्ट्रा डायमेंशनल मॉन्स्टर भी कह सकते हैं जो कि अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए मनुष्य का जीवन ले लेते हैं। यहाँ अगर कोई नाम लिख के अपने विक्टिम को मार सकता है तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल होगा। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एनिमी मॉन्स्टर्स के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।